दोस्तों सुनहरा बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें, मैं यूं ही पुराने और यादगार किस्से आप तक लाते रहूंगा। हेलो सुनहरा बॉलीवुड फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, अगर कोई ठीक ना हो, दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमेशा खुश रहे। वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बहुत ज़रा बिजी था मैं। अभी शुरू करूँगा वीडियोस बनाना। तो मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए एक नात पढ़ लूँ रफ़ी साहब की, क्योंकि रफ़ी साहब के जैसे गीत थे उसी अंदाज से, उससे बहुत ही प्यारे अंदाज में रफ़ी साहब ने नात भी गाए हैं। तो एक नात पढ़ता हूँ आप सबके सामने, और कंपेयर तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता रफ़ी साहब से। अरे हम तो एक 0.1% भी नहीं है। बहरहाल वो तारीफ करते रहेंगे रफ़ी साहब की तो रात निकल जाएगी। तो एक नात पढ़ता हूँ, वो है मदीना जिसको दयारे रसूल कहते हैं, खुदा के प्यारे पैगंबर वही तो रहते हैं। मदीना दिल का हरम है, नजर की जन्नत है, दरे रसूल पे जाना भी एक इबादत है। हर एक दिल की कली उस जगह पे खिलती है, दरे नबी से सभी को मुराद मिलती है। अजीजो आओ ये दिल का पयाम लेके चले, चलो मदीने मोहम्मद का नाम लेके चले। और बहुत ऐसे नात सुन रहा था रफी साहब के, उसमें ये भी एक बहुत अच्छी है कि शैतान की उस दम हार हुई, जब नूह की कश्ती पार हुई, भूलेगा न इब्राहिम कभी, जो आग वही गुलजार हुई। अय्यूब को बख्शा तूने सबर, इलियास पे थी एक तेरी नजर, होठों पे तेरा जो नाम आया, मुश्किल में सभी के काम आया। तो कैसी लगी दोस्तों? आवाज भी बैठी थी, तबीयत भी जरा खराब ही थी, क्योंकि हर जगह वायरल मतलब फीवर ऐसा चल रहा है, पर मुझे सर्दी हुई थी और इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था और बिजी भी था बहुत अपने काम में। पर रफ़ी साहब पर वीडियोस बनाना ये कभी नहीं छूटेगा। हाँ, भले ही लेट डालूंगा पोस्ट, पर रफ़ी साहब पर वीडियोस तो बनाता रहूँगा, हमेशा बनाता रहूँगा। और रफ़ी साहब का नाम, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो कैसा इंसानियत लोगों के दिलों में पैदा करके गए हैं, वो सभी मैं बोलता रहूँगा हमेशा। और रफ़ी साहब का नाम यूं ही हमेशा बुलंद और ऊंचा ही रहेगा। मेरे चैनल पे आप सब लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ज़रूर, आप बहुत लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं मुझसे और उनके मैसेजेस, ज़रा बिजी हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस भी वर्क रहता है। तो मैं जल्द से जल्द उन लोग के मैसेज देखूंगा, क्योंकि मैं बोला था कि मैं बहुत ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा जो आप लोग टॉपिक बोलेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 लोगों ने ही मुझे मैसेज किया है व्हाट्सअप पर के इस पर वीडियो बनाओ। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ वीडियो मैसेजेस, पर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मैसेजेस देख लिया हूँ पर रिप्लाई या वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। तो अब से कोशिश करूँगा, ज़रा भी ठीक हुआ हूँ। घर में भी बहुत लोग बिजी थे, मतलब कई लोगों के फंक्शन भी थे और ज़रा बहुत लाइफ बिजी जा रही थी। पर उम्मीद है आप सब लोग भी खुश होंगे। अगर कुछ तकलीफ होगी आपको तो हम ज़रूर दुआ करेंगे, आप भी दुआ करते रहिएगा। सब खैर।